अगली वीडियो हम लोग की उपलब्ध है इस चैनल पे, क्लास 8 एनसीईआरटी। और जो टॉपिक है आज का हम लोगों का, वो है दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। मतलब दो परिमेय संख्या दे देंगे, उसके बीच में बोल देंगे चार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ भी। तो वो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन हम लोगों को अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, निकालनी होंगी, और जो वो बोलेंगे वो सम से सॉल्व करना होगा। अब आइए देखते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके कितने मेथड होते हैं, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं, मतलब कि दो तरीके होते हैं। एक मेथड हमारा हो जाता है माध्य विधि, माध्य विधि। माध्य विधि में क्या होता है, जैसे उन्होंने दो परिमेय संख्या दी, मान लीजिए एक परिमेय संख्या हो, उस उन्होंने ए दे दी, ए इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी दे दिया, और बी दे दी, बी इज इक्वल टू भी समथिंग कुछ दे दिया। तो माध्य विधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा माध्य का फॉर्मूला, लेकिन हम फिर से बताते हैं माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है, जैसे दो डिजिट हैं हमारे पास, तो ए प्लस बी अपॉन टू, मतलब ए और बी जितना दिया उन सबको जोड़ के बटे में दो कर दें, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो जाएगा, वो हमारा माध्य होगा। ये होती है माध्य विधि। तो दो परिमेय संख्या हमें बताई गई, दोनों को जोड़ के अपॉन टू कर दें, इससे हमें उसके बीच की एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हो गई पहली विधि। दूसरी विधि जो होती है, उसको आपकी बुक में कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसको अनुमान विधि लिख देते हैं। अब ये नाम हमने क्यों रखा, इसका भी एक कारण है। देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले तो एक अंदाज़ा लगाना होता है, उसके बाद जो हर होता है, मतलब कि ये मान लीजिए अंश है, ये हर है, क्यू, तो क्यू जो होगा वो जो संख्या दे दिए होंगे दोनों, उन दोनों में क्यू हमें सेम करना पड़ेगा। अगर है तो बहुत बढ़िया होता है, और नहीं है तो उसको सेम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो अंदाज़ा लगाते हैं, इसलिए हमने अनुमान विधि रखा है। तो ये दो विधि होती हैं, ये आप लोग को ज़रूर याद करना पड़ेगा कि कितनी विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्या। निकाले हम कोई सी भी दो संख्या, दो परिमेय संख्या बीच में अनगिनत या असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन वो बोलेंगे एक लिमिटेड ही, जैसे चार या पाँच, तो हम लोग को बस वही निकाल के दे देना होगा। अब आइए देखते हैं एक सवाल और उसके आगे की प्रक्रिया अगली वीडियो में करेंगे हम लोग। हाँ, तो अब देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है माइनस दो और जीरो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये है, मतलब माइनस दो और जीरो के बीच में तीन परिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। अब माइनस दो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग इसको परिमेय बनाएंगे। जीरो भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया, इसको भी जीरो बनाएंगे। तो माइनस दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस दो को अगर हम लोग सॉल्व करें, माइनस दो को अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 20/10। और ज़ीरो को तो आराम से लिख सकते हैं 0/10, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे जीरो आ जाएगा, माइनस 20/10 को सॉल्व करेंगे दो बार में कट जाएगा, माइनस दो आ जाएगा। तो ये जो है, ये हमारा ये बन गया परिमेय रूप। पी अपॉन क्यू का होता है परिमेय रूप, जहाँ क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। तो 20, 10, 0, 1 सब पूर्णांक है और पी अपॉन क्यू का रूप है। तो ये बन गई हमारी परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच में हमें तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये तीन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हम लिख लें माइनस का 20, ये हम अनुमान विधि लगा रहे हैं, अनुमान विधि से सॉल्व कर रहे हैं। माध्य विधि से भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अनुमान विधि, अनुमान विधि लगी है यहाँ पर, ये वाली विधि, मतलब दूसरी है, दूसरे नंबर की विधि। माइनस का 20/10 और यहाँ कहीं पर हम लोग लिख लें 0/10। अब इसके बीच में देखिए करना क्या होता है, हमने आप लोगों से कहा था हर सेम कर देते हैं हम लोग, हर को सेम करना ही पड़ता है अनुमान विधि में, और उसके बाद अंश को हम लोग चेंज करेंगे। माइनस 20 से 0 आ गया, देखिए
तो अंश इसके बीच वाले लिखते चले जाए हम लोग, इंटीजर बदल दें मतलब पूर्णांक बदल दें और हर उसी तरह पढ़ा रहने दें। तो माइनस बीस के बाद क्या आता है, माइनस उन्नीस, मतलब माइनस बीस के ठीक एक पॉइंट पहले माइनस उन्नीस बटे दस। फिर क्या आता है, माइनस का अठारह बटे दस। फिर क्या आता है, माइनस का सत्रह बटे दस। फिर क्या आता है, माइनस का सोलह बटे दस। यहाँ तक आएगा, देखा, माइनस सोलह बटे दस, माइनस पंद्रह बटे दस, माइनस चौदह बटे दस, इसी के बीच में माइनस तेरह, माइनस बारह, माइनस ग्यारह, माइनस दस, नौ, एक, इस तरह से चार, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक बटे दस और फिर जीरो बटे दस। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, इसके बीच में भी परिमेय संख्या, माइनस उन्नीस, माइनस अठारह बटे दस, इसके बीच में भी परिमेय संख्या, लेकिन ये हमने मेन मेन बता दी इंटीजर वाली जिसमें पूर्णांक आ रहे हैं, बाकी अपूर्ण संख्याओं के भी निकले, मतलब अपूर्ण जो पूर्णांक नहीं होंगे उनका भी निकलेगा, जैसे कि 19.5, ये भी इसी के बीच का है, लेकिन सही है, कोई बात नहीं। तो ये हो गई, अब इसके बीच में उन्होंने सिर्फ तीन के लिए बोला था, हमारे पास इतनी है, हम कोई सी भी तीन संख्या ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, या फिर ये ले लें, ये ले लें, ये इसके आगे की भी कोई सी ले लें, ना लें, ये तीनों ना लें, ये वाली ले लें, ये ले लें, ये ले लें, मतलब कोई सी भी तीन संख्या उठा लें, अगर माइनस बीस बटे दस और जीरो बटे दस के बीच की है तो वो बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे विधि से बता देते हैं, माध्य विधि से। माध्य विधि में हमने आप लोगों को बताया, माध्य विधि में आप परिमेय बनाइए या ना बनाइए उसका कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया, मतलब सूत्र बताया था, माध्य कैसे निकालते हैं, दो परिमेय संख्या या दो संख्या के बीच का, मान लीजिए कोई संख्या है ए और कोई संख्या दी है बी, तो कितनी संख्या है, एक और दो, इन दोनों को जोड़ दें और दो से डिवाइड मार दें, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है, इन दोनों के बीच की संख्या इस प्रकार से निकाल लेते हैं। क्या था, माइनस दो और जीरो के बीच में तीन परिमेय संख्या निकालनी थी, तो सबसे पहले माइनस दो और जीरो के बीच की एक निकाल लें, मतलब माइनस दो और जीरो के बिल्कुल मध्य वाली निकाल लें, कैसे निकलेगी, यही वाला फॉर्मूला लगाइए, माध्य, तो हम डाल दे रहे हैं मतलब पहला माध्य, मतलब फर्स्ट माध्य, तो इसको निकालेंगे, पहला माध्य, पहला माध्य निकलेगा माइनस दो प्लस जीरो, कितनी संख्याएं, माइनस दो और दो, दो संख्याएं हो गई, अपॉन टू कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का वन, माइनस का वन आ जाएगा, माइनस एक को क्या लिख सकते हैं, माइनस का दस बटे दस, बन गई परिमेय संख्या, लास्ट में बना लें, कुछ भी कर लें। ये हो गया पहला माध्य माइनस दो और जीरो के बीच में। अब ये जो माइनस का एक है वो माइनस का दो और जीरो के बीच में है, अब माइनस दो और माइनस एक के बीच में यही वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस एक और जीरो के बीच में यही वाला फार्मूला लगाएंगे, दो माध्य हमें और मिल जाएंगे, वो भी परिमेय रूप में बनाएंगे, और अगर परिमेय रूप में बने हुए हैं तो परिमेय रूप में नहीं बनाना पड़ेगा, इस तरह से तीन माध्य हमें और मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस दो और ये हो जाएगा माइनस एक, यहाँ पर जो बाकी दो माध्य निकालेंगे वो धर दिया जाएगा, मतलब कि इस तरह से समझिए आप, माइनस दो हमारा यहाँ पड़ा रहेगा, उसके बाद माइनस दो और माइनस एक के बीच में एक माध्य निकालेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस एक आएगा, उसके बाद माइनस एक और जीरो के बीच में फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वन प्लस जीरो अपॉन टू, उसके बीच में एक संख्या और आएगी, तो ये माइनस एक को हमने क्या लिखा, माइनस दस दस बटे दस, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग निकाल रहे थे। फिर इसके बाद एक और माइनस एक और जीरो के बीच में एक निकलेगी, वो अपने आप परिमेय संख्या बनी हुई होगी, उसमें नहीं बनाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, उसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद जीरो, ये हो गई, तो माइनस दो और जीरो ये तो दिया हुआ था, और एक दो तीन ये परिमेय संख्या निकल गई माध्य विधि से। अब आगे हम एक्सरसाइज चालू करेंगे।